हम कला भवन बूथ पर हैं और यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि धनबाद के SSP भी मौजूद हैं और वो भी यहाँ पर अपना मतदान करने के लिए आ चुके हैं। आपको कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि वो भी लाइन में ही ऐसे लगे हुए एक आम नागरिक के जैसे, वो यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। आपको बता दें कि लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा था और आज खुद वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ये पर दिखा रहा है कि लोकतंत्र की ताकत यही है, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आए हुए। तमाम लोग जो है यहाँ पर आज सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है और फिलहाल धनबाद के SSP जनार्दन सर जो है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। अपनी पूरी टीम के साथ वो यहाँ पर आए हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। लगातार जो है यहाँ पर एक बार आपको दिखाना चाहिए कि सुरक्षा के भी यहाँ पर फिलहाल पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तमाम मीडिया के जो कर्मी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही साथ जो लोग वोट देकर निकल रहे हैं वो तमाम लोगों के अंदर एक अलग खुशी और उत्साह देखने को मिल रहा है। इलेक्शन को स्मूथली और पीसफुली विदाउट एनी काइंड ऑफ वॉयलेंस कंडक्ट कराने के लिए पूरी तैयारी करी थी, जिसका आज असर हम लोग को दिखाई दे रहा है। मौसम में इतना ज़्यादा टेम्परेचर होने के बावजूद भी लोग भारी संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बाहर आए हैं। इसके लिए ज़िला प्रशासन की ओर से मैं बहुत सारा धन्यवाद देना चाहती हूँ। ख़ास तौर से युवा मतदाताओं में जो उत्साह देखने को मिला है, फर्स्ट टाइम वोटर्स में जो उत्साह देखने को मिला है वो भी बहुत काबिले तारीफ है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो एफर्ट किया था उसका नतीजा दिख रहा है और हमारी पूरी टीम का जो एफर्ट है उसका नतीजा दिख रहा है। बहुत जगह पे युवा जो है सो पहली बार वोट देने के लिए आए, तो एक जो जागरूकता का मिशन ये तो वो सफल होता दिख रहा है। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जैसे आप स्वयं देख रहे हैं कि फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत दूर दूर शहरों से आए हैं अपना मताधिकार का प्रयोग करने, तो वो उनके लिए हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है और प्रशंसनीय है उनका ऐसा कदम। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अगेन उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता है। तीन बूथ सिंदरी बस्ती के ऐसे हैं जहाँ पर वोट बहिष्कार की बात सामने आई थी पहले भी, उसमें भी हमारी टीम जो लोकल स्तर पर जिला प्रशासन की टीम है वो लोगों ने जाकर वहाँ लोगों से बातचीत करी थी। उस समय उन लोगों ने ये कमिटमेंट किया था कि हाँ वो लोग बात समझ गए हैं और वोट ज़रूर देने जाएंगे। आज सुबह फिर ऐसी बात सामने आई कि नहीं, उन लोगों ने अभी भी वोट देना शुरू नहीं किया है। हमारे यहाँ पर स्थानीय ब्लॉक के प्रशासन के लोग और थाना प्रभारी DSP वगैरह के नेतृत्व में फिर से वहाँ पर दोबारा वार्ता करी गई। वो लोग हमारे दिए हुई बातों से संतुष्ट हैं और वहाँ पर फिर से मतदान की प्रक्रिया चालू हो गई। उन लोगों को एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा कि वही 7 बजे? बिल्कुल, वो जब तक 5 बजे तक जितने लोग लाइन में लगे रहेंगे, चाहे वो 7 बजे 8 बजे, हम लोग उनको पूरा समय देंगे। कास्ट कर लिया है और आप सबसे उम्मीद है और निवेदन है कि आप भी अपना वोट कास्ट करें। जैसे कि सरकार, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है, एक स्ट्रॉन्ग सरकार बनने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा नागरिक का है। डेमोक्रेटिक कंट्री का यही सुंदरता है। तो हम अपना मताधिकार का प्रयोग आज एक स्ट्रॉन्ग सरकार बनाने के लिए, एक डेवलपमेंट, विकसित लोगों को विकसित करने के लिए, पब्लिक का सेवा करने के लिए, एक सशक्त सरकार बनाने के लिए हम अपना भागीदारी दिया। मेरा बाकी लोगों से भी यही विनती है, मीडिया बंधुओं से भी मेरा यही विनती होगा कि हर आदमी को प्रेरित कीजिए आप लोग आके वोट करने के लिए। जितना हमारा वोट बढ़ेगा उतना स्ट्रांग हम लोग अपना सरकार को बना सकते हैं। सर, आप भी एक आम नागरिक की तरह ही लाइन में लगकर खड़े, इसके पीछे क्या संदेश है? जैसे कि मैंने आपको बोला, आज एक पुलिस अधीक्षक के नाते हम वोट करने के लिए नहीं आया है। पुलिस अधीक्षक को अलग से यहाँ पर कोई वोट नहीं है, वोट हम हृदीप जनार्दन ने, एक इंडियन सिटीजन का वोट है। जब हम वोट करने के लिए आएंगे हमको एक सिटीजन बन के ही वोट करना है, तो आज हम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन इंडियन सिटीजन निभाया है। तो बिल्कुल आप साफ तौर पर देखिए कि यहाँ पर धनबाद SSP पहुँचे, उन्होंने एक आम नागरिक के जैसे यहाँ पर कतार में खड़े हुए अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने ये जो साइन है जो वोट करने का वो भी यहाँ पर दिखाया और लोगों को यही बताया कि देश को गठित करने के लिए आम नागरिक जो है उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है और उसी में ये एक अधिकार हम सभी को मिलता है अपने मताधिकार का, जिसका प्रयोग आज उन्होंने यहाँ पर किया है। फिलहाल आज तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।